अब टैंगी ऑरेंज के फ्लेवर से भरा जिंक ले आया है आपके लिए जिंक ऑरेंज सोडा, जो बूस्ट करे आपकी इम्यूनिटी और साथ ही दे हर सिप में ऑरेंज के फ्रेशनेस से भरा फ्लेवर। आज ही ले आइए जिंक का ऑरेंज सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध। आज के दिन हालात के हिसाब से कोविड तरफ से पूरा मुसलमान भाई बहनों पूरा तकलीफ उठाए, सबको कोऑपरेट करके आप ये नमाज पढ़े। आज अभी इस मौके पे मैं ईद उल फितर का मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, हमारे कंटेनर पुलिस वाले सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। ईद उल फितर के मौके पर हाफिज़ बाबा नगर में मौजूद जामे मस्जिद अल नूर में मौलाना हाफिज़ बुखारी इमाम व ख़तीब मोहम्मद एजाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने ईद उल फितर के मौके पर महदूद मुसल्लियों के साथ ही ईद की नमाज़ के लिए इमामत की। तमाम कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक फासले का भी खास ख्याल रखा गया। नमाज की अदायगी के बाद मौलाना एजाज़ुद्दीन सिद्दीकी सदर जामियतुल उलमा ने चंद्रायन गुट्टा हलके की तमाम आवाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और तमाम से गुजारिश भी की गई कि ईद के इस मुबारक मौके पर इस कोरोना वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। इस मौके पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन के SHO वेंकट रेड्डी ने भी मस्जिद पहुँच कर तमाम आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। पेश है मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज नमाज़ ईद उल फितर जामा मस्जिद अन्नूर हाफिज़ बाबा नगर में मुख्तसर लोगों के साथ अदा की गई। जैसा कि कोर्ट के आर्डर्स थे, उस लिहाज से चंद मखसूस लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा की और तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए नमाज का जो एहतमाम किया गया। तो तमाम मुसलमान जो ईद उल फितर के मौके पर जो अपनी खुशी और इसमें ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद उल फितर अदा करने की ख्वाहिश होती है, बहुत से लोग जो आज मस्जिदों में हाजिर ना हो सके कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से, मजबूरन लोगों ने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की। अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल करम है कि मुसलमानों ने अपने जज्बात को अपने एहसासात को काबू में रखते हुए बीमारी के फैलने के अंदेशे की वजह से कानून का पास और लिहाज करते हुए अपने घरों में ही नमाज ईद उल फितर अदा की है। तमाम मुसलमानों को बिलखसूस हमारे शहर हैदराबाद और तेलंगाना को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमें तमाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो और जो रमज़ान मुबारक हमने गुजारा है अल्लाह तबारक ताला उस इबादतों को कबूल फरमाए, बिलखसूस हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को और तिलावत कुरान तरावीह को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि आज के इस ईद उल फितर के मौके पर कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू होकर ये दुआ करें और मांगे कि जो बीमारी जो वबा फैली हुई है जिसकी वजह से आज हम मसाजिद के अंदर नमाज ना पढ़ सके, अल्लाह इस बीमारी को जल्द अज जल्द दूर कर दे और पूरे आलम में पूरे दुनिया के अंदर जो है इंसानियत की जो है अल्लाह हिफाजत करे इस बीमारी से। और अल्लाह तबारक व ताला जो कोई इस बीमारी में मुबतला है, बीमार हो गए, अल्लाह उन सबको शिफा दे और जो लोग दुनिया से गुजर चुके अल्लाह उन सबकी मगफ़िरत करे। मैं तमाम आखिर में ये हमारे तमाम हजरात को जो है मुबारकबाद देता हूँ फिर एक मरतबा कि अल्लाह तबारक व ताला ईद उल फितर का ये मौका हम सबको जो इनायत फरमाया है अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे, अल्लाह हमारी नमाजों को रोज़ों को कबूल करे। और इसी तरीके से आखिर में एशियन केबल के जमात जिम्मेदार जमात अब्दुल्ला भाई और अनवर भाई
और दूसरे इनके और अहबाब मुजम्मिल साहब को मैं जो है मुबारकबाद भी देता हूँ, इनको जो है शुक्रगुजार भी हूँ कि ये बात आप तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल फितर के मौके पर चंद मखसूस हजरात ने मस्जिद अन्नूर हाफिज़ बाबा नगर में नमाज ईद उल फितर अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है इस मौके पर हमारे दरमियान हमारे कंचनबाग पीएस के सर्कल इंस्पेक्टर साहब जनाब वेंकट रेड्डी साहब मौजूद है, वो भी अपने जानिब से तमाम बाबा नगर अतराफ अकनाफ के चंद्रायन भुट्टे कंचनबाग के लिए मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं हमारे साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अमाम नास के लिए मुबारकबाद पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर साहब बराबर साथ देते रहे, कोऑपरेट करते रहे, हम उनके भी मशकूर हैं। मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके लिए ईद मुबारक है। मैं कंचनबाग इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आज ये दिन हालात के हिसाब से कोविड तरफ से पूरा मुसलमान भाई बहनों पूरा तकलीफ उठाए, सबको कोऑपरेट करके आप ये नमाज पढ़े आज हम लोग रह के। अभी इस मौके पे मैं ईद उल फितर का मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। हमारे कंचनबाग पुलिस सबको ईद मुबारक और खास करके अन्नूर मस्जिद का सदर साहब एजाज साहब को और उनका पूरा साथ वालों सबको मेरा पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद ईजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज अली खान आपके लिए ले आए हैं ईजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स ईजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में, घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दुल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।